व्हाट्सएप पे फेक चैटिंग करना और उसका एडिक्शन, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। क्या होता है कि कुछ लोगों को एक एडिक्शन चालू हो गया है, नया प्रकार का एडिक्शन अभी है, ये नई बीमारी है। और वो बीमारी ऐसी है कि उनको व्हाट्सएप पे चैटिंग करने का एडिक्शन हुआ है। और एडिक्शन मतलब थोड़ा अलग एडिक्शन है, कैसा बताता हूं। वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे काफी केसेस मेरे पास में आए कि अपने पत्नी के नाम, पत्नी के नंबर लेना, उनके जो बॉयफ्रेंड्स है या उनके जो परिचित व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो परिचित व्यक्ति भी होंगे, पुरुष भी होंगे, या उनको कहीं मिले होंगे, या उनके ऑफिस में काम करने वाले होंगे, ऐसा कोई भी उसके मतलब मेल्स जो है, जो उनके नंबर फीड किया है उसने, तो वो नाम का अकाउंट एक तो फेसबुक के ऊपर खोलना है या व्हाट्सएप के ऊपर उसका मोबाइल लेना या उसका नंबर लेना और उसके ऊपर सेक्सुअल मैसेजेस डालना। अब देखिए, कोई आदमी है, उसके पास में इसके पत्नी का नंबर फीड है, वो नंबर से मतलब पत्नी के नंबर से उसका मोबाइल लेना, पत्नी के नंबर का मोबाइल मतलब पत्नी का मोबाइल लेना, वो नंबर से चुपके चुपके वो आदमी को मैसेजेस करना, और वो भी ऐसे सेक्सुअल मैसेजेस करना, और उसमें उसमें मजा आना। मतलब एक्चुअली वो पत्नी कुछ नहीं कर रही है, ये आदमी अपने पत्नी के नाम उसका मोबाइल लेके उसके जो मेल दोस्त होंगे या मेल कलीग होंगे उनको सेक्सुअल मैसेजेस भेज रहा है, और सेक्सुअल मैसेजेस भेज के उनसे रिप्लाई लेता है और उसमें उसको मजा आ रही है। अब उसको मालूम है कि ये एडिक्शन है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये खुद तो पत्नी कोई मैसेज नहीं भेज रही, उसके ऑफिस के लोग हैं या उसके परिचित है या उसके कोई फ्रेंड्स होंगे उनको मैसेज जा रहा, उनको लग रहा है कि ये भेज रही है क्योंकि उसके मोबाइल से आ रहा है, और वो भी सेक्स के मैसेजेस जा रहे हैं। अब वो उनको मिलती जब ऑफिस में जाके तो कितना प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि इसने तो मैसेज भेजे, अभी तो कुछ बोल नहीं रही सामने। तो ये अभी नया एक तरीका हो गया, उसमें मुझे कम से कम 5 लोग ऐसे मिल गए कि जिनको ये प्रॉब्लम है कि जो अपने पत्नी के नाम पे या अपने कोई भी लेडी जो होंगी उसके नाम से, वो जैसा एक दूसरा पेशेंट था वो अपने सिस्टर के नाम से ऐसे कुछ लोगों को मैसेज भेज, मतलब सिस्टर का मोबाइल लेना और उसके मोबाइल से उसके जो दोस्त है या उसके जो एक्वेंटेंसेस है, जो पहचान के लोग हैं मेल्स, उनको सेक्सुअल मैसेज देना जैसे कि ये भेज रही है। अभी क्या हो गया, ये जो पेशेंट मेरे साथ में अभी मेरे सामने आ गया, तो उसके पत्नी को जैसा ये मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो रहा है ये, और उसके बहुत शर्मीली बात लग रही कि भाई ऐसा कैसा हो रहा है ये, तो ये उसको रोक रही है पत्नी, और ये बोला मेरे मेरे से रोका नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है। पत्नी के नाम से सेक्सुअल मैसेजेस उनको भेजना और उन्होंने फिर सेक्सुअल मैसेज इन टर्न भेजना, जब इसको मालूम है कि पत्नी अपनी ऐसी नहीं है, उनको गलतफहमी हो रही है, पत्नी ने बोल बोल के आखिर में मान नहीं रहा है, इलाज भी नहीं कर रहा है, तो पत्नी निकल गई, उसने नंबर अपना बदल दिया, सबको इन्फॉर्म कर दिया अपने एक्वेंटेंस को कि ऐसा ऐसा मेरा हस्बैंड कर रहा है, ये मेरा नहीं है, और इसकी भी बदनामी जामा हो रही है। फिर अभी ये क्या कर रहा है कि कोई फेक अकाउंट बनाता है, फेक नंबर लेता है, उसके ऊपर अपना नाम डालता है, फेसबुक के ऊपर फेक अकाउंट बनाएगा अपने पत्नी के नाम का, अभी पत्नी तो है नहीं, वो तो चली गई छोड़ के, पत्नी के नाम का अकाउंट बनाएगा पत्नी के नाम पे, मतलब कोई भी जैसा किसको भी भेजता है, फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा फेसबुक फ्रेंड के ऊपर, उनको लगेगा कोई लेडी अपने को इनवाइट कर रही है, और फिर लेडी इनवाइट करके फिर उनको कुछ कुछ मैसेजेस भेजेगा इसके पत्नी के नाम। तो वो भी पत्नी ने कंप्लेंट पुलिस में किया, काफी सारा मजमा खड़ा हो गया, ये चालू है। मगर कहने का मतलब ऐसा है कि ये भी एडिक्शन हो गया, क्योंकि जब वो एक लेडी के नाम पे सेक्सुअल मैसेजेस कोई आदमी को भेज रहा है, वो आदमी सेक्सुअल मैसेजेस भेज रहा है, अभी इसको बहुत मजा आ रहा है। उसमें मजा कैसा आ रहा है, डोपामिन सिक्रेशन हो रहा है, सीधी बात है, डोपामिन सिक्रेशन हो रहा है, सेरोटोनिन सिक्रेशन हो रहा है। देखो, कोई काम करने से मजा नहीं आता है आदमी को, जैसा चाय पीने में किसको मजा आ रहा है, या स्वीट लेने में किसको मजा आ रहा है, या ऐसे एडिक्शन मैसेजेस करने में मजा आ रहा है, तो ऐसे मैसेजेस करने में मजा नहीं आ रहा है। एक्चुअली मजा कायम है, मजा आ रहा है वो जो सिक्रीशन हो रहा है ना, डोपामिन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन, उससे उसको मजा आ रहा है। मतलब कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, तो मैं चाय ले रहा हूं और चाय का एडिक्शन है, तो चाय का एडिक्शन एक्चुअली नहीं है मुझे, चाय पीने के समय जो मुझे डोपामिन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन हो रहा है उसमें मजा आ रहा है। मतलब एडिक्शन किसका हो रहा है, एक एक्टिविटी है जो एक्टिविटी की वजह से मुझे सिक्रीशन हो रहा है डोपामिन का या सेरोटोनिन का। तो फिर मैंने उसको ये समझाया कि अभी आपको उस समय ऐसी एक्टिविटी करना है कि जो एक्टिविटी से सेरोटोनिन डोपामिन का सिक्रीशन होगा। तो फिर वो कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, देखो कौन सी एक्टिविटी करने में आपको और मजा आ रहा है। तो
तो वो मजे वाली एक्टिविटी ये एक्टिविटी से रिप्लेस करो। ये जो एडिक्शन हो रहा है इसमें मजा आ रहा है, आपको अच्छा होना है, रिप्लेस करना होगा। जैसा एक्सरसाइज करना, उससे मजा आता है कुछ लोगों को, एक्सरसाइज करना बहुत डोपामाइन सेक्रेशन होता है, सेरोटोनिन सेक्रेशन होगा, तो चलो उसके बदले उस समय एक्सरसाइज करो। कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखने में मजा आ रहा है, उस समय मोटिवेशनल वीडियो देखो। उस समय किससे फ्रेंड्स के बात करने मजा आ रहा है तो फ्रेंड से बात करो। उस समय चाय कॉफी पीने में मजा आ रहा है तो चाय कॉफी पियो। मतलब उस समय ऐसी कोई एक्टिविटी करो कि जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें डोपामाइन सेरोटोनिन सेक्रेशन हो रहा है, ताकि वो एक्टिविटी कम हो जाएंगी, वो एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो ये नया एडिक्शन है कि लेडी के नाम पे, अपने पत्नी के नाम पे, अपने घर में सिस्टरों की उसके नाम पे, और उसमें मजा करना। लोग तो वैसे आपको बहुत सारे मिलेंगे कि जो अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हैं और उसमें लड़की का नाम डालते हैं और लोगों को इन्वाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं और मैसेजेस भेजते हैं, वो तो अलग बात है। मगर ये नॉन लोगों को भेजना और संघर्ष हो जाना, ये अलग बात होती है। आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।